नमस्कार, सुजस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। आज हम बात करेंगे उन अहम फैसलों की जो स्वतंत्रता दिवस के मौके को और यादगार बनाने और प्रदेशवासियों के हित में राज्य सरकार ने लिए हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर की पहचान रहे रामगढ़ बांध को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ईआरसीपी के तहत ईसरदा बांध से भरा जाएगा। इसी तरह ईआरसीपी के तहत अब दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर और अलवर जिले के 53 बांधों को ईआरसीपी से जोड़कर उन्हें भरा जाएगा। इससे ईआरसीपी परियोजना की लागत 1,665 करोड़ रुपए बढ़ जाएगी और 13 विधानसभा क्षेत्रों के 11 लाख किसान लाभान्वित होंगे। आज आदरणीय क्षेत्र बनाने के लिए कुछ कदम आप लेकर आए होंगे। जयपुर की पहचान का हिस्सा रामगढ़ बांध रहा, समय के साथ बनी परिस्थिति में रामगढ़ बांध सूख गया, इसके अस्तित्व पर संकट आ गया। अब मैं घोषणा करता हूँ, जयपुर की पहचान है रामगढ़ बांध को वर्तमान में लागू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना यानी NFSA में भारत सरकार द्वारा अधिकतम लाभार्थियों की सीमा निश्चित की हुई है, जिससे कई जरूरतमंद परिवार NFSA के लाभों से वंचित रह जाते हैं। कोविड के दौरान राज्य सरकार ने निराश्रित परिवारों का सर्वे करवाया था और करीब 33 लाख NFSA और नॉन NFSA परिवारों को 5500 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। NFSA परिवारों के साथ साथ जिन नॉन NFSA परिवारों को कोविड में आर्थिक सहायता दी गई थी, उन्हें भी आज से शुरू हो रही अन्नपूर्णा राशन किट योजना में निशुल्क राशन किट उपलब्ध करवाई जाएगी। वर्तमान में लागू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA में भारत सरकार द्वारा अधिकतम लाभान्वित सीमा सुनिश्चित की गई, जिसे कई जरूरतमंद परिवार NFSA के लाभों में रह जाते हैं। मैं इस मौके पर घोषणा करना चाहूंगा, कोविड के दौरान मैंने निराश्रित परिवारों का निश्चित रूप से सर्वे करा था। 33 लाख NFSA एवं NFSA परिवार को मैंने 5 किस्तों में 5,500 रुपये कोविड के दौरान मैंने उनको डीबीटी की थी 5 बार। अब मैं घोषणा करता हूँ कि NFSA परिवार के साथ साथ नॉन NFSA परिवार को कोविड में आर्थिक सहायता दी गई थी, उन्हें आज से शुरू हो रही अन्नपूर्णा राशन किट योजना में निःशुल्क किट उपलब्ध कराने के लिए मैं घोषणा करता हूँ।
राज्य में वर्तमान चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना चल रही है, जिसके माध्यम से सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को सही समय पर अस्पताल पहुंचाने वालों को 5,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इस योजना से सैकड़ों लोगों की जान बचाई गई है। अब इस योजना में सम्मान राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाएगा और कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर पुलिस की सहायता करने वाले लोगों के लिए भी इस तरह की योजना लाई जाएगी। राज्य में वर्तमान चिरंजीवी योजना जीवन रक्षक योजना चल रही है, जिसके माध्यम से सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को सही समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले को 5,000 रुपए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। योजना सैकड़ों लोगों की जान बचाई गई है। मेरी घोषणा सम्मान राशि बढ़ाकर 10,000 रुपए करने की घोषणा करता हूँ और कानून की समस्या उत्पन्न होने पर पूरी दिशा से जाने वाले लोगों को प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और डिजिटल डिवाइड कम करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत पहले चरण में 40 लाख बालिकाओं और महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। इस योजना को लेकर महिलाओं में बड़ा उत्साह है। इस योजना के अगले चरण में बजट घोषणा के मुताबिक करीब 1 करोड़ और महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे, जिसकी गारंटी के लिए 20 अगस्त से गारंटी कार्ड दिए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण और डिजिटल डिवाइड कम करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत पहले चरण में 40 लाख बालिकाओं को महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। इस योजना को लेकर महिलाओं का उत्साह है। इस योजना के अगले चरण में फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक करीब 1 करोड़ और महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे, जिसकी गारंटी के लिए किसी 20 अगस्त से गारंटी कार्ड दिए जाने प्रारंभ हो गए। राजस्थान पुलिस के गठन के 75 साल पूरे होने का विशेष राजस्थान पुलिस पंचसती मेडल दिया जाएगा। पुलिस विभाग में कांस्टेबल से लेकर निरीक्षक तक के पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था वर्तमान में परीक्षा के माध्यम से पूरी की जाती है। अब इस व्यवस्था में बदलाव कर कांस्टेबल से लेकर पुलिस निरीक्षक पद तक की पदोन्नति भी DPC के माध्यम से की जाएगी। पुलिस संबंधित घोषणाएं को है आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर कॉन्स्टेबल लेकर पुलिस महानिदेशक के स्तर पर सभी पुलिस कर्मियों को राजस्थान पुलिस गठन के 75 वर्ष पूर्ण होने पर एक तरफ आजादी के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं और दूसरी तरफ राजस्थान पुलिस ने भी 75 पूर्ण होने जा रहे हैं। साथ राजस्थान पुलिस पंचशक्ति दंड दे रहा है। हमें पुलिस में वर्तमान में चली आ रही नवोदित प्रणाली के बदलाव की घोषणा करता हूँ। पुलिस विभाग कॉन्स्टेबल लेकर निरीक्षक के पदों पर प्रमोशन की व्यवस्था वर्तमान में पहली परीक्षा के बारे में पूरी जाती है। हमें व्यवस्था को बदलाकर कॉन्स्टेबल लेकर पुलिस निरीक्षक पद तक की पदोन्नति की प्रमोशन भी समय पर DPC के माध्यम से कराने में घोषणा करता हूँ। तो जैसे स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।